के जो तेजस्वी यादव जी हैं और कुछ संपत्ति के मालिक, क्या इस पर बहस करेंगे? मजदूर के प्रति ये निर्दयता की भाव से बिहार के मजदूरों का दर्द को अनसुना कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सदन को गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, वहीं सदन के अंदर और बाहर खूब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उनका एक बार फिर से उद्योग को लेकर बयान सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का ये कहना है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर जो निवेशक है वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि जो खुद बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं, वो भी ये मानते हैं कि बढ़ते अपराध को देखते हुए जो निवेशक है यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में विजय सिन्हा। के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सदन को गुमराह कर रहे हैं, और दुखद दुर्भाग्य है जो श्रमिकों की लड़ाई लड़ने का दम भरते थे वामपंथी माले के लोग, आज उस भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां कर उनकी बात की पुष्टि करने के लिए श्रमिकों के दर्द को भूलकर खड़े होकर हंगामा और तमाशा कर रहे हैं। मैं तो खुला चुनौती देता हूं कि थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है और श्रमिकों के हित में थोड़ी सी भी दर्द है तो आपने कितने जगह जो तमिलनाडु से लौटा, कितने श्रमिकों के साथ मिला, क्या आपने दो दो लोग की जो हत्या सिकंदरा में हुआ किस कारण से हुआ, एक वार्ड 12 का रविदास फैमिली से मोनू रविदास का पंकज यादव, एक पंकज यादव का, ठीक है कि सरकार ने कहा कि ये आपसी लड़ाई है, फांसी वो लटका हुआ मिला फलाना है, सरकार बिहार सरकार अपने स्तर से उसकी जांच की छानबीन किया, हिंदुस्तान पेपर में निकला था कि एक मजदूर का रेलवे ट्रैक पर लाश मिली, सरकार क्या उसकी जांच और समीक्षा की, जो मजदूर आए वो बयान दे रहे थे स्टेशन पर, एक हमारे सामाजिक लोगों का वीडियो जारी हुआ जो कह रहा था अपने मीटिंग के अंदर कि एक सप्ताह के अंदर नहीं खाली करेगा तो हम कितने को पीटे हैं और कितने को पीटेंगे, इस तरह की बयान तमिल में बोल रहा है, लोग बता रहे हैं, और कई इस तरह का आपने इसकी जांच किया और जांच कमेटी मुख्यमंत्री ने भी पेपर को संज्ञान में लेकर जो पदाधिकारियों की एक जांच कमेटी भेजी गई थी उसका क्या रिपोर्ट आया, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए। हमने तो सर्वदलीय एक जांच कमेटी कहा था भेजने के लिए, कोई भी स्टेट अपने स्टेट का छवि धूमिल होने देना नहीं चाहता है, कोई घटना को वो छुपाना चाहेगा बचाना चाहेगा, ठीक है इसके आर में कुछ फर्जी वीडियो जारी हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेवारी। हमने उस दिन भी कहा था कि अपुष्ट सूत्रों से जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, प्रेस प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर, सरकार इसकी जांच कराए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सुना, गंभीरता से लेकर के टीम भी भेजी। हमारी बिहार के मजदूरों के प्रति चिंता थी, विषय गलत है या सही ये सरकार की जिम्मेवारी है जांचने की, लेकिन इन वामपंथियों ने भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां करके मजदूरों से इनका कोई लगाव नहीं रहा, मजदूर के प्रति ये निर्दयता की भाव से बिहार के मजदूरों का दर्द को अनसुना कर रहे हैं, इनके अपमान इनके दोहन शोषण को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये मजदूरों का दम न भरे अब, ये भ्रष्टाचारियों के साथ माल कमाने में अपनी भागीदारी की व्यवस्था का जो स्वरूप सदन के अंदर दिखा रहे हैं
अरे इनको तो बहस करनी चाहिए थी कि मजदूरों का अपमान दोहन शोषण पर एक नीति बने जो बिहारियों को, बिहार के श्रमिकों का, बिहार के नौजवानों का किसी भी दूसरे स्टेट में अपमान हो या उसका दोहन शोषण हो उसके साथ, तो उस पर संज्ञान सरकार लेके इमीडिएट उसका समाधान करे। लेकिन ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नाटक बंद कर दें। और विजय सिन्हा तथ्य से हट करके बात नहीं करता। कई ऐसे मामला आया है, कई लोगों का आज तमिलनाडु के अंदर कुछ लोग की गिरफ्तारी क्यों हुई इस तरह के मामले पर है। वामपंथी माफी मांगेंगे और नेता उनके जो तेजस्वी यादव जी हैं अकुत संपत्ति के मालिक, क्या इस पर बहस करेंगे? खुला चुनौती है उनको, ये नौटंकी बंद कर दें। मैं एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र में विश्वास करता हूं। किसी राष्ट्र की छवि को धूमिल करना हम सबों की जिम्मेवारी है, ये वातावरण न बने। लेकिन किसी भी राज्य को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के अंदर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर समान अधिकार है और कहीं भी कोई किसी का अपमान दोहन शोषण नहीं करे, इस पर गंभीरता से बहस और विचार हो। और बिहार श्रमिकों का राज्य है, खुल करके इस पर बहस करने की मांग करे वामपंथी। मैं खुल करके उनके बहस में भागीदारी करूंगा, लेकिन उनको मजदूरों से लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।